बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज एलिजियम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज रोहतरा। आई एम मिसेस शाजिया असगर, टीचिंग यू द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश। लास्ट लेक्चर में बेटी हमने कॉम्प्रीहेंशन कैसे करनी है उसके रूल्स पढ़े थे, और आज हम कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करेंगे। याद रहे कॉम्प्रीहेंशन आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। यानी पैसेज दिया जाएगा, नीचे क्वेश्चन होंगे और 5 क्वेश्चन के आपको आंसर देने, और हर आंसर 2 मार्क्स का है। और मैंने आपको 5 रूल्स भी बताए थे कि आपको कौन से रूल जहन में रख के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नंबर 1 रूल ये था कि जिस टेंस में क्वेश्चन है उसी टेंस में आंसर होगा। नंबर 2, आपने आंसर को प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं करना, पूरी कोशिश करनी है कि नाउन से स्टार्ट हो। नंबर 3, आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। नंबर 4, आपने उसके अंदर पंक्चुएशन मार्क्स को बहुत ही केयरफुली देखना है। आइए हम स्टार्ट कर। और नंबर 5 ये था कि आपने अननेसेसरी डिटेल्स को अवॉइड करना है। पैराग्राफ नंबर 12 आप करना शुरू करोगे आज, क्योंकि 11 तक आपको टीचर करवा चुकी हैं क्लासरूम में। जब आप क्लासरूम में फेस टू फेस स्टडी कर रहे थे, डायरेक्ट टीचर के साथ आपका कांटेक्ट था। आज हम करेंगे कॉम्प्रीहेंशन का अनसॉल्व्ड पैराग्राफ नंबर 12। सॉल्व्ड है पहले, फिर उसके बाद आपकी पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अनसॉल्व्ड पैराग्राफ दिए गए हैं। पैराग्राफ आपने बुक खोल के वहां से पढ़ना है। पैराग्राफ नंबर 12 है, स्टार्ट होता है दैट लिव्ड अ मंकी इन द फॉरेस्ट, और खत्म होता है ड्यू टू हिज ग्रीड। पैराग्राफ ये बताता है कि जंगल में एक बंदर रहता था और उसे शदीद भूख लगी। वो खुराक की तलाश में फिर रहा था तो वो एक किसान के घर घुस गया। वहां उसने छोटा सा एक सुराही नुमा बर्तन देखा जिसका मुंह तंग था, नीचे से भैंस खुली थी और उसके अंदर जो है वो दाने थे गंदुम के। तो उसने आराम से उसके अंदर हाथ डाला, और हाथ तो चूंकि यूं करके चला जाता है, अंदर से उसने दाने की मुट्ठी भरी। अब मुट्ठी जो है वो खुले हाथ से नस्बत चौड़ी हो जाती है। उसको बाहर निकालने की कोशिश की बर्तन में से, और मुट्ठी बाहर नहीं निकल सकती थी, या तो मुट्ठी खोलता हाथ बाहर निकल आता। वो उसी कोशिश में लगा रहा कि मैं बहुत सारे ग्रेन जो है वो ले जाऊं। चूंकि वो उस लालच में रहा तो जितनी देर में किसान आ गया, और किसान का कुत्ता जो है वो उस मंकी के ऊपर झपट पड़ा, उसको चीर फाड़ दिया। तो मंकी जो है वो अपनी ग्रीड की वजह से, लालच की वजह से मारा गया। ठीक है, अब इसके बारे में क्वेश्चंस हैं, मैंने क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर दिए हैं। अगली बार में मैं सिर्फ आपको हिंट्स दिया करूंगी क्वेश्चंस के, तो आपने आंसर्स खुद लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इस पैराग्राफ के जो नीचे दिया गया है, वेयर डिड द मंकी लिव, मंकी कहाँ रहता था। देयर लिव्ड अ मंकी इन द फॉरेस्ट, इसको आंसर नहीं लगाना आपने। मैंने बताया, पहले भी बताया था कि आपने यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यू नहीं लगाना, उसको रीमोल्ड करना है। द मंकी लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, द मंकी लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, वो मंकी जो है वो फॉरेस्ट में रहता था। नंबर 2, व्हाई डिड ही एंटर द हाउस ऑफ द फार्मर, वो किसान के घर में क्यों दाखिल हुआ। द मंकी एंटर्ड द हाउस ऑफ द फार्मर इन सर्च ऑफ फूड, द मंकी एंटर्ड द हाउस ऑफ द फार्मर इन सर्च ऑफ फूड। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड ही फाइंड देयर, वहां उसे क्या मिला, कहां किसान के घर में। देयर मंकी फाउंड अ हार्ड विसल विद नैरो ओपनिंग, डिड है पास्ट टेंस में, तो फाउंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ही का मतलब है मंकी, तो हमने नाउन से स्टार्ट किया, देयर का मतलब है किसान के घर में। देयर द मंकी फाउंड अ हार्ड वेसल विद नैरो ओपनिंग, उसे एक सख्त धात का बर्तन मिला जिसका मुंह तंग था। नंबर 4, व्हाट वाज इन द वेसल, उस बर्तन के अंदर था क्या। द वेसल हैड ग्रेन्स इन इट, व्हाट वाज पास्ट टेंस, हैड माजी की पोजेशन, हैड माजी में रखता था। The vessel had grains in it. Number 5, what did the monkey do? Monkey ने क्या किया? अब ये do decide करेगा question का tense क्या है, या did decide करेगा? Did decide करेगा, यहाँ do proper verb के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, वहाँ monkey ने क्या किया? The monkey put his hand into the vessel. Monkey put his hand into the vessel. Monkey ने उस बर्तन में अपना हाथ डाला। He took a handful of the grains and tried to pull his hand out. He took a handful of grains and tried to pull his hand out. The monkey put his hand in the vessel. He took the handful of grains and tried to pull his hand out. Monkey put his hand in the vessel. Monkey ने उस vessel के अंदर अपना हाथ डाला। He took a handful of grains, मुट्ठी भर के उसने अनाज ले लिया, and tried to pull his hand out of the vessel. और इस तरह मुट्ठी बंद करके अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश की, तो क्या हाथ निकल आया, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है। But he couldn't do so with his closed fist, चूंकि मुट्ठी बंद थी, मुट्ठी बंद जो है वो लंबे हाथ से नस्बत चौड़ी जाती है तंग वेसल में से, वो ऐसा ना कर सका ड्यू टू क्लोज्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी होने के बायस।
Why could he not pull his hand out of the vessel? अपने वेसल से वो अपना हाथ बाहर क्यों ना निकाल सका? The monkey wanted to pull his hand out with the closed fist. मंकी जो है वो बंद मुट्ठी के साथ अपना हाथ बाहर निकालना चाहता था, but he couldn't do so as the vessel had a narrow opening. लेकिन वो ऐसा ना कर सका क्योंकि बर्तन का मुंह तंग था. जी, question number 7. How did the monkey meet his fate? उसे अपनी बुरी किस्मत से उसकी मुलाकात कैसे हुई? कैसे उसका नसीब खराब हो गया या बदकिस्मती से कैसे मिला? The farmer's dog fell upon the monkey. किसान का जो कुत्ता है वो मंकी के ऊपर झपटा. And tore him to pieces. और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया. Thus the monkey met his fate due to his greed. लिहाजा अपने लालच की वजह से मंकी अपनी बदकिस्मती से जा मिला. This is a possible moral. अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 4 या 5 ये भी होता है. Suggest the possible moral of the passage. पैसेज को पढ़िए और उसका पॉसिबल मॉरल सजेस्ट करें. तो मॉरल है, ग्रीड इज कर्स, लालच बुरी बला है. दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्रीहेंशन डियर स्टूडेंट. अब हम स्टार्ट करते हैं अगला टेंस. टेंसेस की ट्रैवलिंग में हम प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं, पास्ट कर चुके हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर टेंस. फर्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस जिसको कहते हैं वो है ऐसा काम, ऐसा कोई काम आने वाले जमाने में ना तो जारी हो ना मुकम्मल हो. आने वाले जमाने में हो वो काम, यानी फ्यूचर में हो, लेकिन जारी ना हो और मुकम्मल भी ना हो. जारी होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा, मुकम्मल हुआ तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा. ले ऐसा काम जो गैर मुतय्यन, गैर वाजे हो लेकिन होना फ्यूचर में हो, तो उस काम को हम किस टेंस में शो करेंगे? फ्यूचर इनडेफिनेट में. मैं रिपीट करती हूँ, जब कोई काम आने वाले जमाने में ना जारी हो ना मुकम्मल हो, यानी गैर मुतय्यन गैर वाजे जमाने में, आने वाले जमाने में काम होगा, तो हम उसे कहेंगे, उसको शो करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट में. अब इसकी पहचान क्या है? उर्दू की फिक्र के आखिर में गा गे गी लिखा जाएगा. इंग्लिश फिक्र में विल और शैल बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है. शैल सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन आए या वही के साथ इस्तेमाल होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल इस्तेमाल होता है. और इसके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है. ये है सिंपल फ्यूचर टेंस. फॉर एग्जांपल, अनवर विल गो टू लाहौर. अनवर लाहौर जाएगा. उर्दू फिक्र के आखिर में गा गएगी और अनवर सब्जेक्ट है, उसके बाद विल या शैल बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और टू लाहौर ऑब्जेक्ट, अली विल गो टू लाहौर. ये है सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. आइए देखते हैं ये यूज कहाँ कहाँ होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या आपको बनाना है. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो यूज होता है, नंबर 1, मुस्तकबिल में, जिस काम के बार बार होने का अंदाजा हो कि वो मुस्तकबिल में आएगा करेगा. इट विल रेन अगेन, दोबारा बारिश होगी, दोबारा बारिश होगी आइंदा भी. आइंदा किसी बात के बारे में अंदाजा या शक जाहिर करने के लिए. परहैप्स ही विल रूज सून, शायद वो जल्दी पहुंच जाएगा. कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जो सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनेट में इस्तेमाल होते हैं. टुमोरो आने वाला कल, यस्टरडे के साथ सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट यूज होता है और टुमोरो के साथ सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनेट यूज होता है. उसके बाद वर्ड नेक्स्ट है. नेक्स्ट के साथ कोई भी टाइम लग जाए, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ एटसेट्रा, नेक्स्ट मोमेंट भी अगर हो तो उसके साथ फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल होता है. ही विल रीच हियर टुमोरो, वो कल यहाँ पहुँच जाएगा. दे विल कम टू लाहौर द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते वो लाहौर आ जाएंगे. मौसम की पेशन गोई करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए, प्रिडिक्शन हमेशा फ्यूचर की जाती है, मुस्तकबिली में ये काम होगा. तो मौसम, द फॉग विल परसिस्ट फॉर मैनी डेज. जब फॉग पड़ती है ना, सर्दियों में धुंध पड़ती है, तो मौसम की पेशन गोई भरने करने वाले कहते हैं दिस फॉग विल परसिस्ट फॉर मैनी डेज, ये धुंध कई दिन तक छाई रहेगी. तो मौसम की पेशन गोई के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है. मैं रिपीट करती हूँ, फ्यूचर इंडेफिनिट उस वक्त इस्तेमाल होता है जब मुस्तकबिल में किसी काम के बार बार होने का अंदाज़ा हो, किसी बात के बारे में अंदाज़ा या शक जाहिर करने के लिए टुमारो या नेक्स्ट के एडवर्ब्स के साथ, और मौसम की पेशन गोई के लिए. अब आते हैं स्ट्रक्चर, यानी उर्दू फिक्र अगर आपको दिया गया है तो आप उसका इंग्लिश फिक्र जब कंस्ट्रक्ट करोगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की अरेंजमेंट कैसे रखोगे. सिंपल अगर सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से कोई एक आएगा. और इसके बारे में आप याद रखिए, बार बार बता रही हूँ, सब्जेक्ट की अगर आए और वही हुआ तो आप शैल लगाओगे, अदरवाइज बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ आप विल लगाओगे. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आखिर में फुल स्टॉप आएगा. दिस रूफ विल लीक, ये छत टपकेगी. नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल या शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, वर्ड ऑफ निगेशन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप. ही विल नॉट फुलफिल हिज प्रॉमिस, वो अपना वादा पूरा
नहीं करेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस चाहे सिंगल है या डबल है, विल या शैल हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, शैल वी गो टू लाहौर, क्या हम लाहौर जाएंगे। अगर डबल इंटरोगेटिव है तो वर्ड ऑफ इंटरोगेशन पहले आएगा और बाकी सारा स्ट्रक्चर सिंपल इंटरोगेटिव वाला होगा। फॉर एग्जाम्पल, वेन है, वेयर है, व्हाट है, विच एटसेट्रा, उसके बाद विल या शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। वेन विल अली गो टू लाहौर, अली लाहौर कब जाएगा। नेगेटिव इंटरोगेटिव आता है तो विल और शैल सेंटेंस से पहले आएंगे सब्जेक्ट से, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ड ऑफ निगेशन नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। विल अली डॉट गो टू स्कूल, क्या अली स्कूल नहीं जाएगा। जरूर आओगे बच्चे आप, COVID-19 खत्म हो जाए तो। ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की है पहचान, तारीफ, इस्तेमालात और उसका स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, इसको गौर से याद रखिएगा। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।